गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास सेवन के क्लास सेकंड के मेंस का एक्सरसाइज 4.1 के यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने यहाँ तक किया था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स वी कैन एक्सचेंज। तो हमें यहाँ पे फिल करना है कि जैसे ए 5 रुपीज़ कॉइन, एक यानी कि 5 रुपीज़ के कॉइन को हमें 1 रुपीज़ का कॉइन यानी कि कितने में एक्सचेंज कर सकते हैं, या 5 रुपी एक 5 रुपी के कॉइन 1 कॉइन्स के 1 कॉइन्स कितना यानी कि लाने पर बराबर हो जाते हैं। तो अगर 5 रुपीज़ का एक कॉइन लाए एक साइड में और दूसरी साइड में अगर 1 रुपीज़ का एक कॉइन्स लाए, तो दोनों को अगर इक्वल करना है तो हमें 1 रुपी वाला जो कॉइन है वो कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो सिमिलरली ए 5 नोट फॉर, एक यानी कि अगर 5 रुपीज़ का नोट लाएंगे और उसके इक्वल में 5 कॉइन्स रुपीज़ 5 वाला यानी कि कॉइन कितना चाहिए, ओनली 1 यानी कि कॉइन लाएगा तो यानी कि वो 5 रुपीज़ के बराबर होगा। तो ए रुपीज़ 20, अगर मेरे पास 20 रुपीज़ का एक नोट है और दूसरी साइड में एक यानी कि बंदा पूछ यानी कि अगर किसी ने कहा हो कि इस 20 रुपीज़ के नोट को 5 रुपी के कॉइन कितने यानी कि जमा करने पर बराबर होगा, तो 4 अगर हम 5 रुपीज़ का कॉइन 4 लाएंगे तो 20 के बराबर होगा। तो सिमिलरली एक 50 रुपीज़ नोट है मेरे पास, तो उसको मुझे इक्वल करना है रुपीज़ 5 नोट के साथ। तो मुझे कितना चाहिए रुपीज़ 5 का नोट्स, 50 के बराबर होने के लिए 10 यानी कि 10 जो है नोट्स, मुझे 10 कॉइन जो है चाहिए रुपीज़ 5 का, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो इसी तरह से यहाँ पे ये भी आप फिल कर सकते हैं, जैसे 100 रुपी नोट, अगर मेरे पास एक 100 रुपी का एक नोट है और दूसरे साइड में 50 रुपीज़ का नोट्स है, तो 50 रुपीज़ का 2 नोट्स का यानी कि 100 रुपीज़ बन जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2। तो 100 नोट यानी कि एक रुपी 100 रुपीज़ का एक नोट है मेरे पास और यहाँ इस साइड में यानी कि 20 रुपीज़ का नोट्स है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे 5 यानी कि नोट चाहिए 20 रुपीज़ 20 वाला, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ तक आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें इसमें फिल करना है इन हाउ मेनी वेज कैन यू मेक रुपीज़ 4, हम किस तरह से यानी कि रुपीज़ 4 के रुपीज़ 4 बना सकते हैं, किस मेथड से, बाय यूजिंग, हमें यूज़ करना है 2 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपीज़ कॉइन ओनली यानी कि 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ कॉइन को नोट, मतलब इन दोनों को यूज़ करके रुपीज़ 4 बनाना है। तो 2 प्लस 2, 2 रुपीज़ का अगर यानी कि 2 कॉइन लाया तो 4 बन जाते हैं, 2 रुपीज़ का एक कॉइन और 1 रुपीज़ का 2 कॉइन लाया तो ये भी 4 बन जाता है। अगर मेरे पास 1 रुपीज़ के 4 कॉइन्स है तो इन चारों को मिला के रुपीज़ 4 बन जाते हैं। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे फिल करना है इन हाउ मेनी वेज कैन यू मेक रुपीज़ 6, हम किस तरह से रुपीज़ 6 बना सकते हैं, बाय यूजिंग रुपीज़ 5, रुपीज़ 2 एंड 1, हमें कॉइन यूज़ करना है 5 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का एंड 1 रुपीज़ का। तो यहाँ पे दिया है उन्होंने, जैसे हमें 5 का 6 यानी कि रुपये बनाना है, तो 5 का एक कॉइन लाओ प्लस 1 रुपीज़ का एक कॉइन लाओ, 6 बन जाता है। यहाँ पे मेरे पास अगर मैंने लाया 2 रुपीज़ का एक कॉइन, फिर 2 रुपीज़ का एक कॉइन, फिर 2 रुपीज़ का एक कॉइन, 2 को 3 टाइम्स जब ऐड करते हैं तो 6 आ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 रुपीज़ का एक कॉइन लाओ, बाकी यानी कि 2 रुपीज़ का एक कॉइन लाओ, फिर 4 बन गया, फिर 1 रुपीज़ का कॉइन लाओ, तो यहाँ से बन जाता है हमारा 6 रुपीज़। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 है, तो 2 रुपीज़ का एक कॉइन लाओ, बाकी यानी कि सब 1 का कॉइन लाओ, 2 3 4 5 6 रुपीज़ बन जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अगर आप 1 रुपीज़ के नोट 6 लाएंगे तो रुपीज़ 6 बन जाते हैं। तो इसी तरह से आप इसको भी फिल कर लेंगे। तो होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप लोगों को जो होमवर्क है वो क्या करना है, ये जो है यानी कि इस टेबल को बना के फिल करना है, और इसके बाद यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स, इसको जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है यहाँ तक आपको बना के होमवर्क के लिए अपने स्कूल के कॉपी पे करना है। तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।